Hello everyone, this is Tamanna welcoming you all to the yet another video of the Homemade. और आज आप मेरी लुक देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस पर है। आज का दिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस दुनिया की जितनी भी औरतें हैं जो करवा चौथ का फास्ट रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उन सब के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए गौरजा माता से प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे ज्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है। आज शूट किया है अपना पहला व्लॉग, और इस व्लॉग में मैंने दिखाया है सारे अपने करवा चौथ के दिन मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे मेरे दिन की शुरुआत हुई एंड हाउ इट एंडेड अप। आई होप यू लाइक दिस वन। तो दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि 4:30 बजे उठकर हमने नहा धोकर सरगी खा ली थी, और आप देख सकते हैं मैं गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पति देव अभी भी सो रहे हैं। तो करवा चौथ पर हर औरत का क्या काम होता है, मोस्टली उसको सजना संवरना होता है। तो पूरा दिन हम सजते संवरते ही रहते हैं, और यही मैंने अपने करवा चौथ पर भी किया। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को सीधा किया, जो मेरे बेड से झाड़ू जैसे बाल हैं उनको सीधा किया 1-2 घंटे लगाकर। जो पहला हाफ था वो तो मैंने बड़े अच्छे से किया, सेकेंड हाफ बस बहुत जल्दी जल्दी में, तो ये मेरे बाल हो गए सीधे। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट करा अपना आउटफिट, ये साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो अभी तक मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई जो सुबह से लेकर अभी तक मैं कर चुकी हूँ, एंड नाउ इट्स टर्न टू गेट रेडी। आज के दिन के लिए मैंने 2 आउटफिट्स रखे हैं। जो मेरा पहला आउटफिट है वो मैंने जो पूजा होती है उसके लिए वो आउटफिट रखा है, और जो दूसरा आउटफिट है वो सिंपल है, सूट है, क्योंकि रात को व्हेन द हस्बैंड विल कम मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं जो अपना पहला आउटफिट है जो कि एक साड़ी है उस साड़ी को पूरा दिन कैरी करूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते, मैं बहुत बातें करती हूँ। सो आई गोना स्टार्ट विद माय मेकअप। तो मुझसे बहुत लोग हमेशा पूछ रहे थे हाउ यू डू योर मेकअप, अपनी मेकअप वीडियो शेयर करो। सो मेरे मेकअप में कुछ इतना खास नहीं है, मैं बिल्कुल कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट आई शेयर व्हाट आई डू विद माय मेकअप, तो मैं आपसे इजीली शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को भी धो के आई हूँ, वॉश करके आई हूँ, और वॉश करने के बाद सबसे पहले टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन माय फेस। दिस इज बायोटिक्स मॉइस्चराइजर, मुझे नहीं पता कैसे कैसे करते हैं, आप देख लो बस। जैसे आपको आपने ये वीडियो से फन के लिए देखते हैं, ठीक है, प्लीज अगर आप मेरा मेकअप फॉलो करेंगे तो डू इट ऑन योर ओन रिस्क। मैं कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बेसिक सा जो मैं करती हूँ वही है जो अपनी सभी वीडियोज में मैं इंपैक्ट करती हूँ। सो बाल मैंने अपने सीधे कर लिए हैं, तो वो सीधे मतलब एज एन थोड़ा थोड़ा सीधा कर लिया, क्योंकि मुझे बाल सीधे करने में बहुत यू नो क्या कहते हैं पेशेंस नहीं है मैं इतने ना, कि मैं शुरू में तो बहुत अच्छे से बाल करती हूँ स्ट्रेट, बट आफ्टर दैट इट ऑल गोज इन मी। तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया मैं अच्छे से। आफ्टर दिस आई एम गोना अप्लाई दिस यू नो ड्रीम सैटिन, मेबेलिन का है मेरे पास ये, मैं ये जो है लिक्विड फाउंडेशन ये अप्लाई करूँगी, बट मैं ये हमेशा ऐसे अप्लाई नहीं करती हूँ, आई ऑलवेज मिक्स माय मॉइस्चराइजर विद इट। तो इसलिए अब हम इसको ऐसे मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है, और अब इसको हम लगा लेंगे। मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में, बट जस्ट बिकॉज यू डिमांडेड सो मच दैट शेयर व्हाट यू डू, आई डू नथिंग। मैं बस बहुत बेसिक करती हूँ। नेक एरिया प्लीज मत भूलेगा, कई बार क्या होता है आपका मुंह बस एकदम चिट्टा होता है और नेक एकदम ब्लैक आती है, तो नेक एरिया मेरी पीन के बाद मेरा बहुत ख़राब है, आई एम वेरी बैड थ्रोट, सॉरी एक्सक्यूज मी। तो ये मैंने अपना वो जो मेबेलिन का जो फाउंडेशन था वो मैंने अप्लाई कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना अपने बाल बांधने चाहिए, शो मारने के चक्कर में ये ना मेरे बाल ही फाउंडेशन हो जाए। सो इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई करती हूँ। मुझे नहीं पता मेकअप आर्टिस्ट वो कंसीलर वगैरह अभी अप्लाई करते हैं, बट मेरा ना कंसीलर खत्म हो गया है और मेरे को ना भूल गया नहीं कैसे इसको ऑर्डर करने का, तो मैं भी कंसीलर पहले अप्लाई करती हूँ, बट आई एम शॉर्ट ऑफ इट, आई एम वेरी केयरलेस एनीवेज। तो ये कुकर से बाल मेरे खड़े हैं। आई अप्लाई दिस अगेन मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट, काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक रहता है, बट मुझे मिंत्रा से मिल जाता है, मुझे नायका से यह मिल जाता है, बट मेरे को यही अच्छा लगता है। सो आई अप्लाई द कॉम्पैक्ट। सबसे पहले अंडर आइज में हमेशा शुरू करते हूँ, इन ऑर्डर टू यू नो अपने डार्क सर्कल्स को करने पड़े। वैसे मुझे लगता है कि जो लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं उनको कॉम्पैक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट हम जैसे लोग जो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है उनको लगता है कि एक बार मैंने ऐसे मेकअप किया था तो मेरी लुक बड़ी बड़ी आई थी, तो अब मैंने आगे से भी ऐसे ही करते हैं चाहे वो दोनों मैचिंग करते हो या ना करते हो। तो ये बस मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, तो ये वापस कर दिया है, मैंने लगा लिया है। Anyways, this is done now. So we are done with the compact. Now we're gonna go towards the contouring. वैसे मेकअप आर्टिस्ट ये भी बताते हैं कि पहले आई मेकअप करना चाहिए। They are very right. आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मुझे होता है जब खत्म हो पहले बूथे का फिर जाके आँखों पे चले। So that's why I'm gonna do contouring now. ये Lakme की contouring मेरे पास है, पेन है इसमें।
मैंने इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं टू लाइन इस तरफ बना ली है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद द कॉन्टूरिंग। और थोड़ी यहाँ नोज के एरिया में बनाई है, मुझे भी खाना नहीं आ रहा। एनीवे अब हम इसको स्मच कर देंगे। मेरे पास स्मच करने के लिए एक लौता यही पफ जो भी इसको कहते हैं है, मैं इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या यूज़ करते, तो आई यूज़ दिस ओनली बिकॉज आई गॉट इट फ्रॉम द मार्केट, सो आई हैव टू यूज़ इट। नो चलिए इसको ऐसे मैंने स्मच कर लेना। शुरू में तो ऐसे डर लगेगा कि हर वक्त मैंने तो खराब ही कर लिया अपना मेकअप, बट एज वो ऑन वो बाद में एक अच्छा लुक दे मिल जाता है जब मुँह पे चाहिए। तो फॉर स्टार्टिंग दी आई मेकअप आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज अवी सिल्वर कलर का, इफ यू कैन सी द पैलेट व्हाइटिश कलर का है, स्पार्कल स्पार्कल। सो आई ट्राई टू कवर माय अपर पोर्शन ऑफ दिस आईलिड का, ये जो आईब्रो के नीचे विद दिस, या आई एम यूजिंग फिंगर क्योंकि मेरे पास ब्रशेज की भरमार नहीं है, हम यूजिंग फिंगर। तो मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से अपना आई मेकअप कर लेती हूँ। बिकॉज ओके देन आई एम गोना टेक अ पिंकिश कलर इस तरीके से अप्लाई ऑन दिस। कई लोग ना वो टेप भी लगाते हैं, आपको बहुत परफेक्शन से आप लगा सकते हैं। पर्पल शेड लगाने लगी हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। I'm gonna apply golden आगे की तरफ, golden color यहाँ पे इतने आधी आँख पे, आधी जो आँख है यहाँ से लेके यहाँ तक वहाँ पे लगे, ठीक है। इसके बाद I'm gonna take darker brown, ठीक है, यहाँ सेंटर में अपन darker brown लेंगे। Then after that I'm gonna take purely darker brownish shade स्टार्टिंग फ्रॉम द आई और आई बॉल की थोड़ा सा ऊपर में उसको लेके जा रही हूँ। लाइनर नाउ आई एम गोना अप्लाई द काजल। लास्ट बट नॉट लीस्ट माय पोशन, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। पहले मेरी चीक इतनी ज्यादा है गोल कप्पी सी हूँ मैं, उसके ऊपर से आई एम अप्लाई द ब्लश। यहाँ पे लगाते हैं ना। अच्छा अब बात करते हैं हाईलाइटर की। कई लोग जो हैं वो हाईलाइटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं इससे मेरा ट्रिक कर लेती हूँ। इसमें ना एक वाइट सिल्वर कलर का पैलेट होता है, सो आई अप्लाई फ्रॉम हेयर टू हेयर देन फ्रॉम हेयर टू हेयर। ऐसे लगता है देखो ये देखो वो शाइन आ गई, देखो शाइन आ गई। नायका का पफ लिपी यूज़ करती हूँ। दिस इज मैटी नीज लिप शेड, मैं इसके ऊपर एक और लिप शेड लगाऊंगी, उसके ऊपर आई एम गोना अप्लाई दिस मेबलिंस पिंक लिपस्टिक। सो आई अप्लाई दिस ओनली, मैं इसे टक टक करके लगाती हूँ। सो इट्स डन। हाँ जी, तो ये हमने अपने बाल खोल लिए हैं और मेकअप के बाद हमारी ऐसी लुक आई है सीता से गीता बन गए हैं हम। Done with the makeup and now it's time for dressing up. So for this I have chosen a saree. मैंने एक साड़ी चूज करी है और मैंने ट्राई करी है साड़ी के साथ ये तीन लुक्स। जो पहली लुक है वो बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल तरीके से साड़ी जैसे ड्रेप करते हैं वैसे ही ड्रेप करा है। और सेकंड लुक में मैंने गुजराती स्टाइल साड़ी को ड्रेप किया है पल्लू आगे की तरफ लेकर, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग लग रहा है। और थर्ड लुक में मैंने उसी जो गुजराती लुक में जैकेट ऐड कर दिया, ये एथनिक जैकेट जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। तो इस तरीके से मैंने एक ही साड़ी को तीन तरीकों से एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके बाद बारी आती है हेयर डू करने की। तो मैंने सेंटर डिमार्केशन कर ली और लेफ्ट और राइट की तरफ ऐसे रोली पोली करके मैंने दो दो ऐसे नॉट्स सी बना ली और नॉट्स को ऐसे टाई कर दिया बालों में, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। और आपको पता है मैंने लटे तो निकालनी ही होती है। उसके बाद मैंने लगाई मजंटा कलर की बिंदी और अपने सजना के लिए लगाया सिंदूर, वो भी लिपस्टिक से ये सिंदूर लगा लिया हमने। ओके मंगल सूत्र मैंने पहन लिया है। अब बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की, वो काम जो मैं कभी भी नहीं करती और मेरी जो मम्मी है ना उसको बड़ी कंप्लेंट रहती है, यार जब भी तू वीडियोस में आती है अपने हाथ से कुंडे से क्यों दिखाती है, नेल पेंट क्यों नहीं लगाती। तो अब काम है हमारा नेल पेंट लगाने का। हो गया, एक हाथ का तो हो गया। सौंदर्य लग रहा है यार, इट्स लुकिंग गुड। पता नहीं मैं क्यों नहीं लगाती, एक्चुअली टाइम नहीं होता है। मैं आपको क्या तो इतना बिजी स्केड्यूल है मेरा। और ये मैंने इंडियन फोटोग्राफर वाला पोज मार लिया और ये है प्रॉपर लुक ऑफ द डे। So this is that करवा चौथ थाली सेट which I made in my last video और आप सबने जरूर देखा होगा, अगर आपने जरूर नहीं देखा है तो I'll mention the link in the description box, do check it out and this is going to be my cherry on the cake. See, it's complimenting so much.
तो आपके लिए मेरा लुक ऐसे ही होने वाला है, मैं इसे लूज पोनी करूंगी, साइड पोनी, वही मेरा हेयर स्टाइल है ऐसे घुमू घुमू वाला, और ये लटे तो मैंने निकाल लिए। और चांद निकलने के बाद ये मैं आरती करते हुए की मेरी पिक्चर है, और ये पिक्चर मेरे हस्बैंड के साथ, सजना के साथ की पिक्चर। I hope you all enjoyed what you saw today, my very first vlog. So, अगर आपने enjoy किया और आपको मजा आया और आपने कुछ अगर सीखा भी, तो do like, share and don't forget to subscribe. Do subscribe and till then, TTFN. Tata for now.